नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दी हरियाणा कॉटन जिनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने शिरकत की। इस अवसर पर सुभाष बराला ने एसोसिएशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कपास पर मार्केट फीस घटा करके उन्हें तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश भाजपा सरकार पारदर्शिता से चल रही है। उन्होंने अकाली दल के गठबंधन पर सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा में अकाली दल से उनका कोई गठबंधन नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का रुख सबको पता है और केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा कहां पर किसको टिकटें देनी है। टिकटों को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 29 या 30 को सूची जारी कर दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया अभियान पर सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा के अभियान के आगे कोई भी अभियान नहीं है और ना ही टिक पाएगा। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। आज यहाँ हरियाणा प्रदेश के जितने कपास के कारखानेदार हैं, उन्होंने मुझे यहाँ धन्यवाद करने के लिए बुलाया था। पिछले कुछ सालों से इनकी जो मार्केट फीस कम करने की मांग थी वो लगातार ये उठा रहे थे। 2.80 रुपये मार्केट फीस पूरों में लगती थी, तो उनका ये सब व्यापारी भाइयों का, ट्रेडर्स का और कारखानेदारों का ये कहना था कि अगर इनकी मार्केट फीस अगर घट जाती है तो इनको भी व्यापार करने में, ट्रेडिंग करने में आसानी होगी और किसान का भी इसमें लाभ होगा, क्योंकि हमारी जो कॉटन की बेल्ट है ये राजस्थान के साथ साथ लगते हुए पूरे एरिया में है। यहाँ सिरसा से लेकर के और आगे महम भिवानी तक की बेल्ट चली जाती है, तो इसके कारण से, बॉर्डर पे होने के कारण से और राजस्थान में मार्केट फीस कम होने के कारण से हमारे यहाँ व्यापारी और किसान भाइयों को इसका नुकसान होता था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके, इनकी पहले भी 2-3 दौर की बात हुई थी, तो आपस में एक विश्वास की बहाली करवाते हुए इस मार्केट फीस को 2.80 रुपये से कम करवा करके 1.60 रुपये किया है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ इनकी जो एसोसिएशन है उसके पदाधिकारियों ने मुझे धन्यवाद करने के लिए, हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए मेरे मार्फत से अभी, क्योंकि सारी चर्चाएं हमने केंद्रीय नेतृत्व से की हैं और देश के प्रधानमंत्री विदेश में गए हुए हैं, उनके आते ही तो संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। मुझे लगता है आते ही पहला काम, क्योंकि चुनावी राज्यों को बुला करके ये किया जाएगा, तो उनके आने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, डेट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे लगता है कि 29-30 तारीख के आसपास, तो कल देश के प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे, आते ही हमें वो बुलाएंगे। नाम एक साथ डिक्लेयर किया जाएगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है बात, ये केंद्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र की बात है, इसलिए मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कन्फ्यूजन ना खुद में रखती है ना दूसरे का रखती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करके चलती भी नहीं है। दोबारा मौका मिलेगा? देखिए, ये सारी बातें हमने केंद्रीय नेतृत्व से की हैं। अब किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये बंद लिफाफे में केंद्रीय नेतृत्व के पास है, संसदीय बोर्ड में जाकर के लिफाफा खुलेगा। देखिए, मुझे इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व का रुख सब लोगों को पता है, इसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला अंतिम है। देखिए, कोई गठबंधन हरियाणा प्रदेश में मेरी जानकारी में तो था नहीं, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इसकी जिम्मेवारी क्योंकि केंद्रीय नेताओं की है। अकाली दल बादल के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से क्या बात करी क्या नहीं करी, इस बात की जानकारी मुझको नहीं है, इसलिए वो क्या कहते हैं इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी सब लोगों की पार्टी है, सब वर्गों की पार्टी है, इसमें आम आदमी से लेकर के चुने हुए नुमाइंदे जो भारतीय जनता पार्टी के राजकाज को ठीक मानते हैं, पारदर्शी तरीके से राज करने को अच्छा मानते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो 5 साल राज किया इसको अच्छा मानते हैं कि पहली बार एक पारदर्शी सरकार हरियाणा प्रदेश में चली, इसको देख करके अगर कोई
पार्टी में आता है, चाहे सामान्य जन है, चाहे कोई चुनाव प्रतिनिधि है, ऐसे सब लोगों का स्वागत है। किसी तरह का किसी को कोई आसन वासन नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस ने आज एक नया अभियान शुरू किया है, तमाम कांग्रेसी एक मंच पर थे, उन्होंने कहा कि पहले रिपोर्ट और फिर वोट अभियान, इस तरह से एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि अपराध के बढ़ते ग्राफ, बेरोजगारी, इस तरह की कई बातें उन्होंने गिनाई। जी, उसको लेकर देखिए कांग्रेस पार्टी कितने भी अभियान चलाए, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का जो अभियान है, इसकी कमांड जनता के हाथ में है। हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता चाहती है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए कोई पार्टी का नेता इस प्रकार का कोई अभियान चलाता है उसके कोई मायने नहीं है।